For latest update videos, please subscribe to the channel and press notification bell icon and enjoy latest updated videos on agriculture. थोड़ा सा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन गोल्ड एग्री फार्मिंग चैनल में। तो आज मैं यहाँ पे हूँ, ये जो आपको प्लॉट दिख रहा है ये कड़क करके वैरायटी है जो कि पूरी स्ट्रांग होती है पूरी तरह से। अभी ये एक साल का प्लॉट है जिसमें लगभग एक प्लांट से कम 6 से 8 स्टिक अभी मिली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नया शूट्स है राइजोम ये भी आया हुआ है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये बेसिकली सीड का प्लांट है, सीड से बनाया हुआ जिसमें अभी 6 स्टिक्स लगी हुई है और कई शूट्स भी नए नए दिख रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो वेजिटेबल्स के लिए है। उसके बाद बायोमास तो ज़्यादा नहीं मिलता है लेकिन वेजिटेबल्स के लिए इसका ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जो कि सपोर्ट लगाने के लिए रहता है। तो बेसिकली इसका जो मार्केट है वो स्टिक पे होता है लगभग 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ पर स्टिक के हिसाब से जाता है। तो ये अंदर से स्ट्रांग होने के कारण लगभग 40 से 50 फीट तक ये जा सकता है। उसके बाद जो इसका एवरेज रहेगा वो पर एकर पर कटिंग का लगभग कम से कम 40 टन के आसपास रहता है। तो अगर ऐसे हम इजीली भी अगर देखें तो कम से कम 2 लाख रुपये इसका भी इनकम हो जाता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर यार आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे जो पाइपलाइन है ये इनलाइन किया हुआ है। पहले इसको इनलाइन नहीं था, ये पूरी तरह से बारिश के ऊपर ही डिपेंड था। अभी तो पूरा वाटर मैनेजमेंट किया है प्रॉपरली, तो इसलिए अभी आप देख सकते हो कि जो भी हाइट चल रही है ये बेसिकली अच्छी है। एक साल में लगभग ये 10 फीट तक अभी हो रहा है। कुछ कुछ प्लांट आपको दिखाई भी दे रहे होंगे साइड में, यहाँ पे जैसे अभी कुछ कुछ 10 फीट के ऊपर से भी जा रहे हैं, कुछ छोटे हैं अभी। और जो भी नए शूट्स है वो रैपिडली ग्रोथ हो रहे हैं। स्टिक्स की जो जो क्वालिटी है, स्टिक्स की क्वालिटी भी अच्छी तरह से मेंटेन है। ये जो अभी स्टिक्स है ये लगभग उंगली के बराबर ही है लेकिन क्या है कि अभी इसका जो एज है ये एज कम है बहुत। लेकिन अगर स्टिक्स के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। फार्मर के लिए एक बहुत ही कम समय में बाम्बू फार्मिंग जो है पूरी, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक आइडल फार्मिंग रहेगी। तो अभी तो ये छोटा सा प्लॉट है, एक साल का हुआ है, जो 1 एकड़ में भी मेरे ख्याल से पौधे तो गिने नहीं है, ये ऐसे ही बस सीड्स था तो लगा दिए थे। लेकिन अगर आप शूट्स देखेंगे तो मैं तो पागल ही हो जाता हूँ अगर ऐसा शूट्स मुझे दिखे, क्योंकि मेडिसिनल में इस शूट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है जो कि बहुत से लोगों को भी नहीं पता है। तो ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही इसके और क्या जानकारी चाहिए उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए चलिए, बाय बाय। तो अभी ये देख रहे हैं आप, ये इसी बाम्बू का शूट्स है राइजोम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मेडिसिनल में बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स है ये शुगर के लिए या फिर जिसे हम संधिवात बोलते हैं उसके लिए ये बहुत ही गुणकारी होता है। और ये अगर आप देखेंगे कहीं पे भी तो जो नॉर्थ इंडिया साइड्स है जैसे कि जहाँ पे बाम्बू की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि म्यांमार है, भूटान है, उसके बाद आसाम, मिज़ोरम या फिर मेघालय है, मणिपुर है, तो ऐसी जगहों पे ये प्लांट शूट्स खाते हैं।
इसकी चाय भी बना कर पीते हैं। उसके बाद अगर इसके वेफर्स की तरह अगर टुकड़े किए तो ये लोग बहुत सारे खा सकते हैं, मतलब जैसे कि एज़ पर मेडिसिनल के लिए, तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती है। इसके बारे में अगर आपको बहुत अगर कुछ ज़्यादा जानना है तो गूगल पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये तो अभी छोटा बाम्बू होने के कारण अभी इसकी साइज़ छोटी है, लेकिन अगर ये कमर्शियल बाम्बू का रहा तो इससे लगभग 5 से 10 गुना बड़ा होता है। तो आपको ये अभी जो वाइट पार्ट दिख रहा है, इसके टुकड़े करके आप ये खा सकते हैं। ये पहले तो इसका जो कवर है वो पूरी तरह से निकालना पड़ता है, और फिर जो वाइट वाइट रहेगा वो आप खा सकते हो। इसकी जो कड़वाहट है वो बहुत तेज़ होती है, उल्टी भी इससे हो सकती है। तो ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल आपको अगर करना है तो इसे पहले बॉईल करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसे आप खा सकते हैं।